न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी संगठन को खड़ा करने में 17 साल लगे हैं और इन 17 सालों में हमने अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाकर यह मुकाम हासिल किया है और अब लोकसभा चुनाव में भी बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर ही 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर दिखाएंगे। सीएम खट्टर आज रेवाड़ी में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ग्रोवर के रस्म पगड़ी कार्यक्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक समय था जब हमने ओम प्रकाश ग्रोवर के साथ मिलकर हरियाणा में घूम घूम कर बीजेपी संगठन को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि ग्रोवर में एक अलग ही निर्णय क्षमता थी जिसके बेस पर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन हमने कभी सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया और अपनी नीतियों के दम पर ही चलते हुए संगठन को मजबूत करने का काम किया। यही वजह है कि हरियाणा में संगठन को मजबूत करने में हमें 17 साल लग गए। खट्टर ने कहा कि ग्रोवर के चले जाने से बीजेपी संगठन को एक बड़ी भारी क्षति पहुंची है। हालांकि जब निधन से 2 दिन पूर्व वे ग्रोवर से मिले थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि देश में मोदी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, साथ ही देश में राम मंदिर भी बनना चाहिए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। पार्टी के वो कार्यकर्ता भी थे, वो नेता भी थे, वो एक ऐसे संगठन करता थे कि उन्होंने जब वो अध्यक्ष थे और मैं संगठन मंत्री था, हम लोगों ने मिलकर के पूरे हरियाणा में घूम घूम करके एक संगठन को मजबूती दी। उस समय भारतीय जनता पार्टी और बंसीलाल जी की जो पार्टी है हविपा हरियाणा विकास पार्टी, उस समय सरकार भी चल रही थी, तो एक ऐसा दायित्व था उस समय संगठन को भी हम लोग संभालते थे। सरकार के साथ भी तालमेल ठीक बना रहे दोनों पार्टियों का, तो हाली सरकार भी, और ऐसा अवसर भी आया कि कुछ बातों पर मतभेद हुआ, एक निर्णय लेकर के हमने वो सरकार थोड़ी भी सही। अब अपने सिद्धांतों के ऊपर अडिग रह करके चीजों को आगे बढ़ाते हुए मैं समझता हूं वो निर्णय क्षमता उनमें थी और उस निर्णय के कारण से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार उस बेस को लेकर के आगे बढ़ती रही। और अगर कई कारणों में से एक कारण गिनाना हो कि आज हमारी अपनी इंडिपेंडेंट सरकार है, तो एक कारण वो भी था कि उस समय हमने अलग होकर के अपने सिद्धांतों से कोई भी कम्प्रोमाइज न करते हुए अपनी नीतियों पर चलते हुए संगठन को उस समय से लेकर आज तक खड़ा किया। भले 20 साल लग गए, 17 साल लग गए, 17 साल के बाद 2014 में अपने इंडिपेंडेंट अपनी सरकार बनाई। तो मैं समझता हूँ ग्रोवर जी में बहुत विशेषताएं थी, निर्णय करने की क्षमता, कर्मठता, पूरा लगातार परिश्रम करने का स्वभाव, और घर की तरफ नहीं देखते थे वो, लगातार निष्ठावान यानी देश और समाज की सोचते थे। अभी जब वो हमें छोड़ के गए, उसे ठीक 2 दिन पहले मैं आया था मिलने के लिए, एक ही रट थी कि दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, हरियाणा में दोबारा से भाजपा की सरकार आनी चाहिए, यही रट लगाए हुए थे। इस प्रकार के निष्ठावान कार्यकर्ता के जाने से क्षति हुई है, लेकिन वो इच्छा सर्वोपरि है, सबको भगवान जो है शक्ति प्रदान करेंगे। तो उनकी उम्मीदों पर 10/10, 10/9 क्या समझ? इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको भी कुछ शक है, आप केवल प्रश्न पूछने के लिए पूछ रहे हैं। शक आपको भी नहीं है, हमको भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटें हैं। सर 5 बजे जो प्रेस वार्ता है, आचार संहिता प्रतिक्रिया रहेगी, चुनाव का बिगुल बजने वाला है, इनेलों के साथ क्या मिलकर चुनाव लड़ेगी हरियाणा में बीजेपी? देखिए मैंने कहा 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसका कुछ अर्थ होता विलय का भी कोई सुना चर्चा सुनी? शर्मा जी,